कोरोना वायरस के कहर से बेहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी से इस दवा के लिए गुहार लगाई थी। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और मैं समझता हूं कि इस बात की कोई वजह नहीं कि भारत अमेरिका जो दवा के ऑर्डर पर बैन नहीं हटाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी मोदी से एक बार बात हुई है लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि भारत जरूरी दवा के निर्यात पर से बैन नहीं हटाए। ट्रंप ने यह भी साफ कहा कि अगर दवा को अमेरिका को देने की इजाजत नहीं दी जाती तो निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई हो सकती है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात कर कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग की मांग की थी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग मलेरिया के चपेट में आते हैं, इसीलिए भारत दवा की जो कंपनियां हैं बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उत्पादन करती हैं। अब ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रही है और इसीलिए इस दवा की मांग और बढ़ गई है। हालांकि कच्चे माल की कमी ने इस दवा के उत्पादन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे साथ विष्णु प्रकाश पूर्व राजनायक जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु प्रकाश जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, जिस तरह से ट्रंप के जो सुर हैं एकदम अचानक दो दिन के अंदर बदलते हैं, पहले वो मदद की गुहार लगाते हैं मलेरिया की दवा की और उसके बाद दो दिन बाद वो कहते हैं कि अगर दवा का निर्यात नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, ये सुर बदलने के क्या मायने हैं? इसमें कोई मायना नहीं है जी, ये उनका बोलने का तरीका है। उनका बोलने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब है, पर यही तरीका है उनका। और ना सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हर एक के साथ यही है। मैं उनका उनके कमेंट सुन रहा था जो कि उन्होंने चीन के लिए किए थे और वो उन चीन को भी यही बोल रहे थे कि हमारा और आपके साथ व्यापार में समझौता हुआ है, आप करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तब भी अच्छा है, नहीं करोगे तो हम देख लेंगे आपको। अब इनका जो तरीका है, जैसे मैंने कहा अजीब व गरीब है, पर इसमें कोई खास इसमें हम लोग समझें कि या इसका इतनी गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जी प्रशांत टंडन जी, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि 25 मार्च से मलेरिया की दवा के निर्यात पर बैन लगा दिया गया था, रोक दिया गया था, क्या भारत सरकार इसे फिर से शुरू कर सकती है? किस तरह के आगे आप संकेत देख पा रहे हैं दोनों तरफ से? देखिए, दो पते मैं कहूंगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 130 करोड़ लोग हैं हम। मलेरिया हमारे यहाँ ऑलरेडी एक लाख के करीब सालाना हमारे यहाँ मौतें मलेरिया से आज भी होती हैं, और साथ साथ मलेरिया की ये ड्रग हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर बनती है। अभी भी कोई सरकार ने दोबारा ऑर्डर किए हैं, जब ये रिकमेंड किया गया कि मलेरिया की ड्रग एंटीवायरल इसमें काम आ सकती है एंटीवायरल के तौर पे कोविड 19 के लिए, तो करीब 10 करोड़ टैबलेट्स का ऑर्डर अभी भी सरकार ने दिया है। लेकिन हाँ, बैन हमारे यहाँ के ज़रूर किया गया है इसको देखते हुए कि अगर बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ केसेस आएंगे तो हम कैसे डील करेंगे। लेकिन देखिए, ये दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है ये बीमारी, और सारे मुल्कों को एक दूसरे के साथ, क्योंकि कल हमको भी बहुत से वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से पीपीई की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे यहाँ उतना प्रोडक्शन नहीं होता, टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे टेस्टिंग बहुत कम है, अभी भी 102 टेस्ट हम कर पा रहे हैं पर मिलियन, तो ज़रूरत हमें भी पूरी दुनिया की है। लेकिन जो ट्रंप के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसा विष्णु जी कह रहे थे कि इनकी आदत है, ये इन्होंने भारत से जब हार्ले डेविडसन के मामले में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन मौजूदा समय में ज़रा इसमें दो पक्ष देख लीजिएगा। एक, वहाँ पे अभी FDA ने उनके देश में मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय एक तरफा नहीं है कि ये ड्रग जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है
वो 100% वहाँ काम करेगी। क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेज पर है वो, फ्रांस ने कुछ लिमिटेड तौर पे किया था, लेकिन अभी उसको एक फाइनल अप्रूवल उनके FDA की तरफ से नहीं है। मसला ये है कि ट्रंप की लगातार जो उन्होंने पहले इसको चाइना पे दोष दिया, पहले फिर का होक्स है, उसके बाद लगातार उनकी जो हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस है वो बहुत सवालों के घेरे पे है, वहाँ के मीडिया में, वहाँ के पॉलिटिशियंस में, वहाँ के एक्सपर्ट्स में, उनके तौर तरीकों पे बहुत क्वेश्चन है। उन्होंने डिले बहुत किया, अभी अमेरिका में 10,000 लोग मर चुके हैं और सबसे ज्यादा मौतें वहीं हो रही हैं, एपिसेंटर बन गया है अमेरिका, तो जो है जाहिर तौर पर इस वक्त वुहान बन चुका है और उसकी हालत किसी से छिपे नहीं है। सबसे शक्तिशाली जो देश है वो मांग भारत से कर रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी। विष्णु प्रकाश जी, लेकिन जो वैश्विक दबाव के बीच आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्या मलेरिया की दवा का निर्यात करेगी या कुछ कंडीशन के साथ, कुछ समझदारी के साथ आगे आपको क्या कदम लग रहा है भारत सरकार उठा सकती है इस दिशा में? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम बड़े, हमारा जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर है कि देखिए, सबसे पहले किसी भी सरकार का, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे अमेरिकी सरकार का हो, चाहे किसी भी सरकार का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने नागरिकों के लिए है। तो जाहिर है कि हम सबसे पहले वो करेंगे जो हमारे देश के हित में है, जो हमको ज़रूरत है वो करेंगे। पर जैसे मेरे सहयोगी ने, मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि ये समय ये भी है कि दुनिया भर में अगर हम कोऑपरेट करेंगे तभी काम चलेगा। अब देखें, जैसे हमारे पास खुद कमियां थी मास्क की वगैरह, पर जब चीन पे प्रभाव पड़ा तो हमने 15 टन मटेरियल चीन को भेजा, हमने मालदीव्स को भेजा है, भूटान को भेजा है, बाकी देशों को भेजा है। तो इसी तरह ये मिलजुल के काम होगा तभी आगे बात चलेगी। तो हमारे पास क्षमता है और हम उस क्षमता को देखते हुए जो भी हमारा पॉलिसी सदैव ये रहा है कि हम जो अपने पड़ोसियों के लिए, बाकी देशों के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। तो वही मुझे लगता है कि किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि भारत एक्टिवली कंसिडर कर रहा है कि ये बैन को हटा दिया जाए, पर मुझे इस बात में बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा ध्यान में रखते हुए सरकार के पास जो साधन है उसी का उपयोग करेंगे। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का अभी जैसे बात हो रही थी, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किस कब दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, पर यह मत बन रहा है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूं, पर जो ये जनमत दुनिया भर में ये बन रहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, उनको ये दिया जाए तो उससे मदद मिलती है। तो देखते हैं कि आगे कैसे होता है। पर फिर मैं दोबारा ये कहूंगा कि हमको एक उनका जो कमेंट है इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, टेक इट और लीव इट। जी, प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत टंडन जी, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप, और एकदम से सुर बदल लेना और चेतावनी वाले लहजे में उनका आ जाना, क्या आपको लग रहा है, चूंकि ज़रूरतें हमारी भी हैं, हम विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हैं, और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, तो क्या यहाँ पर प्राथमिकता सरकार की होगी, किस तरह से फिर डील करेगी अमेरिका के साथ, क्योंकि अगर उसको नाराज कराता है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े एस्पेक्ट पर भी उसका असर पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों एक जैसे ही पॉलिटिशियन हैं अपने अपने मुल्कों के लिए, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी जो आर्थिक पैकेज है, जो ज़रूरतें हैं, इमीडिएट जो ज़रूरतें हैं, कोरोना के अलावा भूख से लड़ने की और बेरोजगारी से लड़ने की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा ना करके वो भी गिमिक्स का सहारा ले रहे हैं कि आप थाली बजाइए, आप दिया जलाइए वगैरह। वो संदेश में कभी भी आप देखिए कि उन्होंने 3 बार राष्ट्र के नाम संदेश दिए हैं, उसमें 1 बार भी उन्होंने किसी पैकेज की या किसी की चर्चा नहीं की। यही पूरा कारनामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने देश में कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े पैकेज दिए हैं, सब कुछ बात है, लेकिन उनकी क्राइसिस की हैंडलिंग की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, क्योंकि उन्होंने देर में शुरुआत की है, उनकी क्रिटिसिज्म हो रही है,
तो वो अपनी क्रिटिसिज्म को ढकने के लिए वो इस तरीके की लैंग्वेज का और अपने देशवासियों को आप क्या कहें कि उनको संतोष दिलाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं डांट रहा हूँ इंडिया को और मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ, ये केवल उनकी अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसका कोई बहुत राजनीतिक मायने इसका नहीं है। और ट्रंप हमेशा आदतन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भाषा और ट्रंप की भाषा, हालांकि एक होनी चाहिए राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन कई बार वो अलग अलग होती है जी। यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि संतोष करने की कोशिश अमेरिका वासियों को ट्रंप की तरफ से है, जिस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर भारत सरकार को भी सोचना होगा क्योंकि उसकी भी ज़रूरतें हैं अपने देशवासियों के लिए, जिस तरह कोरोना का कहर बढ़ रहा है। अब देखना होगा भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। विष्णु प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।